हेलो फ्रेंड्स सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रियल रियलाइंसिस और लीनियर जबरा की बुक्स जो है वन बाय वन कंप्लीट करूंगा सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द रियल रियलांसिस चलिए एक एक लेक्चर को करेंगे और इस लेक्चर के बाद कुछ एक्सरसाइज होगी उन एक्सरसाइज को भी आप सॉल्व करेंगे और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे तो जो मैंने रियल रियलाइंसिस की बुक उठाई है वो उठाई है एलिमेंट्स ऑफ रियल आंसिस एज़ पर यू जी सी नॉर्म जो कि आपकी शांति नारायण और एम डी राज सिंघानिया की बुक है बहुत ही अच्छी बुक है जो कि बेसिक्स से सब कुछ कवर किया हुआ है तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि सिलेबस क्या हम सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं और फिर इस यूनिट का पहला जो आपका लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए जो आपको बताया था कि आपको चैप्टर नंबर वन जो कि मैं स्टार्ट करूंगा सेट और फंक्शन का तो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर और इसके बाद आपको इस प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि यहां पर लगभग 19 ऐसे लेक्चर्स हैं जो आपके पूरे सी एस आई आर के सिलेबस को कवर करेंगे तो आज जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्ट्री लेक्चर है जिसमें मैं आपको इस यूनिट के ये थ्री पॉइंट्स को कवर करेंगे कि ये सारे डेफिनेशन और फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज से प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा और फिर वन बाय वन हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे राइट सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर राइट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द वाट इज सेट व्हाट इज फंक्शन फर्स्ट वी ट्राई टू रीड लाइन बाय लाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर राइट आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है यू जस्ट रीड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर तो देखिए फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस बेसिकली द सेट थ्यूरी स्टार्ट राइट तो देखिये इट्स नेम बाय नेम इट्स इट इज क्लियर व्हाट इज कार्ड रियल एनालिसिस सो जो भी चीजें आप रियल लाइन में डिस्कस करेंगे राइट व्हाट इज रियल एनालिसिस जो भी हम रियल एनालिसिस के टर्म में यानी जो भी चीजें हम रियल लाइन पे डिस्कस करेंगे ऑल दिस आर रिलेटेड टू द रियल रियलिस आपका माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट तक राइट वी कवर लॉट ऑफ थिंग ऑन दिस रियल एक्सिस राइट चाहे वो सेट अप नेचुरल नंबर है आप सभी को पता है कि रियल real अंसिस की स्टार्टिंग कैसे हुई फ्रॉम सेट अप नेचुरल नंबर देन सेट अप इंटीजर देन सेट ऑफ रेशनल नंबर देन सेट ऑफ इेशनल नंबर एंड वंस वी कंबाइंड वी गेट द सेट ऑफ रियल नंबर सो इसी के रेफरेंस में पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि व्हाट इज कॉल्ड रियल रियल एनालिसिस सो एनालिसिस इज ए डेवलपमेंट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज रीच्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव एक्सटेंशन एंड जनरलाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर राइट तो ऐसे आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है कि रियल एनालिसिस की स्टार्टिंग कैसी हुई राइट right? उसके बाद देखिए हम बहुत कुछ इसमें नहीं पढ़ने वाले बट आपको ये लाइन बाई लाइन ऐसी चीजें पढ़नी है और यू हैव टू हाईलाइट दिस थिंग सो इट इज स्टार्टिंग यू कैन सी दैट इट इज जर्नलाइजेशन ऑफ व्हाट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट एंड देन बेसिकली फर्दर वी एक्सटेंड एंड देन वी कम अक्रॉस सेट ऑफ इंटीजर फिर सेट ऑफ इंटीजर। से क्या बना जैसे आपको है सेट ऑफ रेशनल नंबर देखिए सेट से पहले इन सारी चीजों को आपको समझना है कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, देन रेशनल नंबर, देन इरेशनल नंबर, राइट तो कैसे रियल आंसिस का एक्सटेंशन हुआ राइट हियर रियल आंसिस को फर्दर एक्सटेंड किया गया देन कॉम्प्लेक्स नंबर बट इन रियल आंसिस वी हैव टू ओनली कंसंट्रेट ऑन रियल आंसिस राइट इट इज नॉट लिंक्ड विद द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर राइट सो अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं जो भी डिस्कशन करना है ऑल दिस डिस्कशन आर बेस्ड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर राइट अब कुछ आपके पास ये जितने भी स्टेटमेंट है वन बाई वन लाइन बाई लाइन आप पढ़ेंगे एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट कि किस तरीके से आ, जो रियल नंबर है रियल नंबर सिस्टम कैसे जनरेट हुआ राइट यहाँ देखिए इन चैप्टर नंबर टू फर्दर वी बेसिकली एक्सटेंड द सेट ऑफ रियल नंबर उससे पहले सेट और फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है राइट right? इसको भी यही इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कैसे सेट का कंस्ट्रक्शन हुआ तो चलिए सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं दीज स्टेटमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए वन बाय वन एक लाइन एक आप पढ़िए वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है यू जस्ट हाईलाइट दीज थिंग्स राइट नाउ अब देखो यहाँ से दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट दीज आर कॉल एनालिसिस टू टाइप ऑफ थिंग्स आर बेसिकली इन रियल एनालिसिस फर्स्ट whether you are able to convert the mathematical form into sentence and second thing is that whether you are able to convert this sentence set into mathematical form तो दोनों चीज़ आपको करनी पड़ेगी और यही है ना इससे जितने sentences को आप mathematical form में convert करेंगे उतनी ही आपकी एनालिसिस अच्छी होती चली जाएगी राइट तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत बहुत छोटे में समराइज़ करूंगा इसमें बेसिकली आपसे पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है राइट तो देखो आपको ऐसी एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी एक दिया है उस एक्सरसाइज को भी आप करेंगे ये सारी लाइन वन बाई वन आप पढ़ेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस के बारे में बताया कि हाउ वाट टाइप ऑफ बेसिकली सेंटेंस आर गिवन बहुत सारे ऐसे इसमें इंटोगेटिव इम्परेटिव राइट बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको कंट्राडिक्ट भी करेंगे सेंटेंसेस तो वन बाई वन सबसे पहले आपको पढ़ना है और बताना है कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है जैसे मैंने कुछ स्टेटमेंट पढ़ूंगा और उसके बेसिस बताऊंगा हमको किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में उसे लिखना है तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रा इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स अब देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स आपको सभी को पता है इफ वी एड द एंगल ऑफ दिस थ्री राइट ऑफ द ट्राइंगल वी गेट वन एट्टी राइट तो आपको बताना है ये ट्रू है या नहीं तो ये कह रहा है दिस इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स टू राइट एंगल्स मीन्स नाइन्टी डिग्री प्लस नाइन्टी डिग्री देखिए इसमें कुछ है नहीं लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे सो दैट आवर एनालिसिस इज क्लियर राइट right. आप, आपको एनालिसिस करना है कि उस सेंटेंस को हमको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपकी थिंकिंग पावर बढ़ी होगी जितनी थिंकिंग पावर बढ़ेगी उतनी आपकी एनालिसिस करने की तो ये जो बुक है वो बुक बहुत बेसिक लेवल से दिया है और एक एक लाइन पढ़ेगी धीरे धीरे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा राइट right? चाहे इसकी बुक उठा लीजिए और चाहे मैंने आपको बताया सविता अरोड़ा की बुक उठा लीजिए या फिर एस के मापा की बुक उठा लीजिए मेरे पास और भी सारी बुक्स हैं बट इसकी पी थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा इस सतम मैंने इसको लिया है राइट अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए दिस इज बेसिकली द ट्रू स्टेटमेंट इस तरीके से इन सबको आप करिए जो कि बहुत बेसिक लेवल से राइट एवरी रेक्टेंगल इज ट्राइंगल क्या ये होता है हर जो रेक्टेंगल है क्या वो ट्राइंगल होता है आप सोचिए इसको राइट right? हर रेक्टेंगल ट्राइंगल है कह रहा सम ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ एंगल ऑफ ए साइकली क्वाडर इज इक्वल टू टू राइट एंगल तो आप इन सबको पढ़िए कि क्या अगर कोई क्वाडर uh, है उसका दो अपोजिट ये दोनों अपोजिट है कि इनका एंगल 180 डिग्री होता है टू राइट एंगल्स के बारे में कह रहा है सम ऑफ आप एन अपोजिट पेयर देखिए अपोजिट ये जो पेयर है इनका आपको पता है ये सम कितना होता है थ्री सिक्सटी होता है राइट सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करके और ट्रू फॉल्स बता सकते हैं बहुत बेसिक लेवल पे है राइट right. कुछ स्टेटमेंट आते हैं नीचे यहाँ पे इस तरीके से आप इन सबको आप खुद से करेंगे यू ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू मैथमेटिकल फॉर्म और एक बार दो बार तीन बार करेंगे उससे आपके अनासिस बढ़ेगी राइट नाउ सी द नेक्स्ट वन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरल टू द थर्ड अब कह रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है देखिए ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड आप ट्राइंगल आप एक काम करिए ट्राइंगल बनाइए आप देखिए यहाँ से यू जस्ट आप जितना रफ करेंगे उतनी ही चीजें आपको सीखने को मिलेगी राइट right? आपको ये नहीं घबराना अभी मुझे डायरेक्ट सी एस आई आर के क्वेश्चन पे जाना नो नो नीड टू डू दिस थिंग्स अब कह रहा है कि अगर इनके मिड पॉइंट को मैं अगर कनेक्ट करूं राइट सो दिस इज पैरल टू दिस थर्ड एक्सिस देखिए यहां पे लेट सपोज कर लीजिए दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी राइट वंस वी कनेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू साइड मींस ए बी और बी सी के सो दिस इज पैरल टू द थर्ड साइड राइट सो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको करनी है ट्रू फॉल्स देखने जैसे यहां पे एक और स्टेटमेंट देखिए इफ एक्स इज टू वाई इज फाइव देन एक्स प्लस वाई इज सेवन ये भी आपका ट्रू है यहां पे देखो कुछ स्टेटमेंट आपका इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स वाई आर रियल नंबर देन अब देखो यहां पे सभी को पता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट है इसका क्या मतलब एंड लगता है नहीं आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो सभी सभी को को मेरे से ये ये भी clear है. ये भी है? है। तो देखिए आपको ट्रू और स्टेटमेंट छोटी छोटी चीजें पहचाननी है कि कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा जैसे अगला देखिए लिखा हुआ है इफ एक्स वाइज इक्वल टू वन देन एक्स वाइज नेचुरल नंबर अच्छा एंड एक्स इज नेचुरल नंबर अब मुझे बताइए कि अगर क्या कह रहा है एक्स वाई इज़ वन एंड एक्स वाई आर नेचुरल नंबर देन एक्स इज़ वन एंड वाई इज़ वन बहुत क्लियर है यहाँ से भी देखिए अगर दो नंबर है दोनों का प्रोडक्ट वन है एंड एक्स एंड वाई बोथ आर फ्रॉम नेचुरल नंबर तो ये बहुत क्लियर है कोई और नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जिनका प्रोडक्ट क्या हो वन हो ये बहुत पॉसिबिलिटी कि एक्स भी वन हो और वाई भी वन हो राइट और कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जिसका प्रोडक्ट वन हो राइट सो दीज आर द स्मॉल थिंग जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही चीजें आप सीखेंगे राइट नाउ नेक्स्ट देखिए अब अगला देखिए ये नाइन्थ में कह रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू वन एक्स वाई आर रेशनल नंबर देन एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इजल टू वन अब देखिए यहां पे कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट वन हो एक्स वाई रेशनल नंबर हो देन एक्स इज इक्वल टू वन और वाई भी वन होगा अब सवाल ये है क्या ये ट्रू है देखिए बहुत आसानी से इसे भी आप समझ सकते हैं इन दिस क्वेश्चनिंग एक्स वाई इज इक्वल टू वन राइट इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा कह एक्स right? तो भी वन होगा और एंड वाई इज ऑल्सो वन दैट इज नॉट करेक्ट वाई देखिए आप सभी को पता है रेशनल मीन वर्ट एनी रेशनल नंबर क्यू विच इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू राइट और पी बाई क्यू के अगर फॉर्म में है तो यहाँ तो बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं जैसे टू इन टू वन बाई टू दोनों रेशनल हैं दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है वन राइट देखिए एक्स इज इक्वल टू हीयर एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू वन बाई टू बहुत रेशनल नंबर है ना लेकिन क्या ये जरूरी है कि दोनों वन हो नो ये जरूरी नहीं है सो so ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये जरूरी नहीं कि ऑलवेज ट्रू देखिए स्टेटमेंट नंबर दिस नाइन्थ तो ऐसे स्टेटमेंट को आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करनी कह रहा है एक्स वाई इज वन देन एक्स वाई आर रेशनल एंड एक्साई रेसन देन कह रहा है एक्स इज इक्वल टू वन छोटी अगर आपको कहीं भी कोई है, आप सभी में भी करेंगे, पहला क्या है दूसरा क्या है एक एक लाइन पढ़ो हो सकता है टू लग जाए थ्री मंथ लेकिन आपको रियल ए टू जेड पता चल जाएगी राइट right? इसी तरीके से देखिए यहां पे क्या कह रहा है अगला स्टेटमेंट इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री देस इजल टू नाइन वेरी क्लियर अगर एक्स इज इक्वल टू थ्री है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी नाइन होगी बहुत क्लियर है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इज इफ एक्सक्वायर इज इक्वल टू वन द एक्स इज इक्वल टू थ्री देखिए यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता पूछे कैसे एक्सक्वायर इजक्वल टू नाइन तो एक्स की वैल्यू थ्री ही सिर्फ हो कि नहीं एक्स के अलावा एक्स की वैल्यू माइनस थ्री भी हो सकती है राइट देखिए एक्स इजर इज टू नाइन देन एक्स इक्वल टू थ्री एक्ट इज इक्वल टू माइनस थ्री भी हो सकता है तो ऐसे आपको ट्रू और फॉल्स जो स्टेट फॉरवर्ड कर रहा है देन आपको बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करना होगा इट इज क्लियर तो इस तरीके से ये भी है और ये भी इन सारे प्रॉब्लम्स को आप करेंगे राइट right? तो पहला जो टॉपिक था कि स्टेटमेंट को किस तरीके से आपको पढ़ना है राइट आर सेवरल प्रॉब्लम्स ये जरूरी नहीं कि ये सी एस आई आर का प्रॉब्लम है ये आपको ये क्लियर करा रहा कि आपकी थिंकिंग पावर को ये बुक बहुत अच्छी है थिंकिंग पावर को धीरे धीरे आपको इंप्रूव करने की तब पढ़ाएगा कैसे रियलिस स्टार्ट हुआ और फिर स्टेटमेंट और देखिए अब बहुत सारे कनेक्टिवनेस होते हैं कनेक्टिवनेस मीन्स कि जो कि आपको एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से लिंक करता है कि किस तरीके से वो लिंकअप है तो इसमें बेसिकली ये जितने भी हैं ये ऑपरेटर हैं देखिए ये इंडिकेट करता है दिस इंडिकेट एक साइड को इंडिकेट करता है इसको कनेक्टिव बहुत सारे ऐसे जो ऑपरेटर्स हैं जो कनेक्टिव नेचर को इम्प्लाई करते हैं राइट तो ये इसका होता है इम्प्लाइज और जब ये होता है इसको बोलते हैं बोथ साइड इम्प्लाई इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ठीक है इस सिंबल को एक होता है एंड और इसको बोलते हैं आर इसको बोलते हैं निगेशन तो ये छोटे छोटे सिंबल है जो आपको बहुत जगह सी एस आई आर के प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा छोटी छोटी जगहों पे लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इन छोटे छोटे स्टेटमेंट को नहीं समझते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पार्ट सी के गलत हो सकते हैं राइट right? किसका इसका क्या मतलब होता है पी इंप्लाई क्यू या फिर बोथ साइड इंप्लाईज का क्या मतलब होता है तो वन बाई वन चलिए देखते हैं और इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी आज आपको दूंगा मैं उन सारे प्रॉब्लम को आप पढ़ेंगे तो देखिए यहां पे बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं इसको वन बाई आप पढ़ेंगे कि क्या इसका मतलब है इन सिंबल का ये लॉजिक लॉजिकल टर्म में किस तरीके से एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है तो देखिए कनेक्टिव इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट अगर बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे सी एस आई आर के प्रॉब्लम में देता है तो अगर ये सिंबल लगा हुआ है देखिए पी एम्प्लॉज क्यू इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये इसको इंडिकेट करता है लेकिन ये देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी देखिए अगर ये सिंबल है राइट दिस सिंबल इंडिकेट व्हाट इसका मतलब होता है पी क्यू को इंडिकेट करता है लेकिन ये जरूरी नहीं है दिस इज नॉट ने और जब ये सिंबल हो बोथ साइड राइट इसका मतलब है कि पी क्यू को भी बताएगा और क्यू पी को भी बताएगा राइट right? इसका एग्जाम्पल भी आपको देखे तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज होते हैं जहां पे पार्ट सी के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये इसको इंप्लाई करता है या नहीं करता है राइट right? सो so यहां से देखिए अब यहां पर एक्स इज इक्वल टू थ्री दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन देर इज नो इशू एट ऑल राइट इट इज क्लियर अब देखिए एक्स अगर कोई भी रियल नंबर है राइट तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर जीरो होगा इट इज क्लियर तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे को इंडिकेट करती हैं इट इज क्लियर अब चलिए आगे देखते हैं ये सारी चीजें दी गई हैं वन बाई वन आप इन सबको पढ़ेंगे या ये भी बोल सकते हैं ये नेसेसरी कंडीशन होता है राइट इंडिकेट कभी कभी कहते हैं कि Uh, P इंडिकेट करता है Q को तो ये नेसेसरी कंडीशन है अगर Q इंडिकेट करता है P को तो इसको बोलते हैं सफिसियंट कंडीशन राइट तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपकी नेसेसरी कंडीशन और सफिसियंट कंडीशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं अगर P डिफाइन करता है Q को तो ये नेसेसरी कंडीशन है अगर Q डिफाइन करता है P को तो इसको बोलते हैं सफिसियंट कंडीशन राइट तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और यहाँ पे देखिए एक चीज और है आ, जैसे पैरल लाइन की बात होती है आइए भी समझ लीजिए अगर मैं कहता हूं कि P इज पैरल टू Q, राइट right? अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरल है तो बहुत क्लियर है ये P लाइन अगर Q के पैरल है अगर स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो Q भी P के पैरल ही होगा राइट इट इज क्लियर तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को इंडिकेट करती हैं। इन छोटी छोटी चीजों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ने आना चाहिए राइट right? तो मेरे ख्याल से ये सिंबल का मतलब क्या हो गया ये इवन एक डायरेक्शन को बताता है या बोल सकते हैं आपकी नेसेसरी कंडीशन को बता रहा है द सिंबल दिस इज कनेक्टिव इज इन एज मच एज कनेक्टिंग द टू स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है राइट इट वट ये बेसिकली पी इंडिकेट करता है क्यू को राइट आप चलिए सेकेंड इंडिकेट करते हैं देखिए कनेक्टिव दिस को बोलते हैं बोथ साइड राइट इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट सच दट पी इंडिकेट क्यू एज वेल एज क्यू इंडिकेट पी राइट देखिए यहां दो सेंटेंसेस हैं पहला क्या इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट इंडिकेट पी इंडिकेट क्यू एंड क्यू इंडिकेट पी राइट देन वी यूज दिस सिंबल राइट इट इज क्लियर जैसे मैंने आपको बताया कि इन पैरलोग्राम इफ ए बी इज पैरल टू सी डी एंड बी सी इज पैरल टू ए डी तो हम ये भी कह सकते हैं ए बी इज मतलब अगर ए बी पैरल है सी डी के सी डी भी पैरल होगा ए बी के राइट एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं राइट यहाँ पे देखिए जैसे ये सेंटेंस है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन तो ये इंडिकेट करता है क्या एक्स इज इक्वल टू थ्री और माइनस थ्री दोनों होगा यहाँ अच्छे तरीके से इसे समझिए कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन है तो मैं इसको ये इंडिकेट कर सकता है सिर्फ ये इसके लिए इंडिकेट होगा एक्स इज इक्वल टू थ्री लेकिन अगर मैं कहूँ यहां पे ये सिंबल लगा लूं तो ये गलत हो जाएगा राइट right? देखिए ये सिंबल लगाना अभी सही नहीं है उसका रीजन आप समझिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन दिस इंडिकेट वॉट एक्स इज इक्वल टू थ्री और माइनस थ्री दोनों ट्रू होना चाहिए राइट right? सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि x इज इक्वल टू थ्री दैट इज नॉट करेक्ट इसके साथ क्या होना चाहिए अगर मैं सिर्फ एक लिखता हूं तो ये गलत है x इज इक्वल टू माइनस थ्री भी होगा राइट right? क्योंकि इसका जैसे ही रूट निकालेंगे तो यहाँ पे ये सेंटेंस अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे अप्लाई होगा दिस इम्प्लाई पोसेट मतलब नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशियंट कंडीशन भी है राइट right? एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं अगर सिर्फ मैं एक्स स्क्वायर इजक्ल टू नाइन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इजक्ल टू नाइन इंडिकेट एक्स इज इक्वल टू थ्री तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है हमें इंडिकेट करना पड़ेगा एक्स इजक्वल टू थ्री एज वेल एज एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री क्लियर तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो एक साइड में है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दो दोनों तरीके से तो आप बोल सकते हैं द स्टेटमेंट पी एंड क्यू एक्सप्रेस वट इज ऑल्सो डिस्क्राइब इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज में से भी एक तरीके से बोल सकते हैं पी इफ एंड वन लीप देखिए इसको बोलते हैं इफ एंड वन लीप इस सिंबल को क्या बोलते हैं कहीं कहीं सेंटेंस के फॉर्म में भी लिखा रहता है इफ एंड वन लीप मीन्स नेसेसरी और सफिशेंट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है पी इंडिकेट क्यू एज वेल एज क्यू इंडिकेट पी सेकेंड देखिए क्यू इफ एंड ओनली इफ पी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि दिस इंडिकेट बोथ साइड राइट इसको जैसा ये एक और सिंबल बताया कि नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द द्रूथ ऑफ पी इज द ट्रूथ ऑफ क्यू इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं द ट्रूथ ऑफ क्यू इज द ट्रूथ ऑफ पी राइट ये दोनों एक दूसरे को इंडिकेट करेंगे पी इंडिकेट क्यू क्यू इंडिकेट पी और इसी को ऐसे बोलते हैं पी एंड क्यू आर इक्वेलेंट स्टेटमेंट राइट सो दीज आर द जनरल फॉर्म आप हो सकते हो इस सिंबल का तो देखो तो छोटी छोटी चीजें जब ये सारी चीजों को इस तरीके से आप हैंडल करेंगे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और बढ़ता रहेगा राइट right? और अगर आपको एनालिसिस और हायर लेवल की पढ़ाई करनी है तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीजों में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए नेक्स्ट इज द कनेक्टिवनेस देखिए आपको बताया था ये भी सिंबल तो देखिए ये जो सिंबल इंडिकेट करता है इंटरसेक्शन की तरह इसको एंड बोलते हैं राइट right? इसको एंड बोलते हैं एंड दिस जो यूनियन की तरह है इसको आर बोलते हैं क्लियर तो देखिए यहाँ पे जैसे बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं एंड और आर दिस जो इंटरसेक्शन की तरह होता है इसको एंड बोलते हैं और जो यूनियन की तरह होता है देखिए ये वी की तरह इसको आर बोलते हैं इन सारे सिंबल को छोटे छोटे सिंबल को आपको जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है पी अब इसका मतलब क्या अभी आपको बताया इसका मतलब एंड बताया पी एंड क्यू इज ट्रू पी एंड क्यू इज ट्रू इफ एंड वन लीव पी इज ट्रू एज वेल एज क्यू इज ट्रू जबकि अगर आपके यहाँ पे सिंबल ऐसा लगा रहे तो इसका मतलब क्या पी इज टू आर क्यू इज ट्रू राइट देखिए दोनों के बीच आर लगा हुआ है जब ये सिंबल आवे तो मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू है इसमें लिख रहा है पी इंटरसेक्शन क्यू इसका मतलब पी भी ट्रू है एंड है क्लियर देखिए नेक्स्ट देखिए जैसे पैरलोग्राम में देखिए ए बी सी डी ए बी इज इक्वल टू सी डी इंटरसेक्शन देखिए इंटरसेक्शन मतलब ये क्या कह रहा है एंड की बात कर रहा है ए ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी इसी तरीके से अगर आप यहां पर लीजिए यहाँ पे, पे देखिए क्या कौन सा सिंबल लगेगा जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप सवाल है इसमें कौन सा सिंबल लगेगा देखिए एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो सभी को पता है अगर प्रोडक्ट आप दो नंबर जीरो है तो आइदर दिस इज जीरो आर दिस इज जीरो सो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू टू आर एक्स इज इक्वल टू थ्री राइट इट इज क्लियर तो देखिए दोनों प्रोडक्ट का दोनों का प्रोडक्ट क्या है जीरो सो आइदर x एक्स इज इक्वल टू टू आर एक्स इज इक्वल टू थ्री क्लियर एट ए टाइम यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है एक्स वाइज इक्वल टू जीरो एक्स वाई इज रियल नंबर अब इसका मतलब बताइए दोनों प्रोडक्ट दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से एक जीरो होगा राइट एक्स इज इक्वल टू जीरो आर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स इज इक्वल टू जीरो आर वाई इक्वल टू जीरो और ये इसको भी इंडिकेट करेगा अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप देखिए यहाँ पे सिंबल देखिए दिस बोथ साइड राइट बोथ इंप्लाइज इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू टू आर वाईज इक्वल टू थ्री तो इसको ये भी लिख सकते हैं इंप्लाइज एक्स प्लस वाईज इक्वल टू लेकिन देखिए इसको मैं बोथ साइड नहीं लिख सकता देखिए यहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट uh, पेज पे लिख चलता हूं देखिए लिखा हुआ है x इज इक्वल टू टू एंड x इज इक्वल टू थ्री राइट देखिए यहां पे ये सिर्फ आप ये इंडिकेट कर सकते हैं ये सिंबल इसके लिए ट्रू नहीं है दिस इज नॉट ट्रू वाई दिस इज नॉट ट्रू देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव लेकिन अगर आप कहिए x प्लस फाइव इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव है एंड दिस इंडिकेट x इज इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू थ्री दैट इज नॉट ट्रू क्यों क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं x इक्वल टू वन भी हो सकता है वाईज इक्वल टू फोर भी हो सकता है जिसका सम सो so, इस साइड को आप इंडिकेट नहीं कर सकते इट ओनली इंडिकेट दिस साइड वन वे केवल ये इंप्लाई करेगा बोथ साइड इंप्लाई इसके लिए रॉन्ग होगा तो इन सबकी छोटी छोटी एनालिसिस आपको करने आना चाहिए राइट right. इसी तरीके से देखिए ये निगेशन का साइन है यानी नॉट का साइन होता है अगर किसी नंबर के सामने निगेशन लगा हुआ ये साइन लगा हुआ इसका मतलब है कि वो नॉट की तरफ बता रहा है निगेशन राइट right. इसको निगेशन आर डैनियल ऑफ पी भी बोलते हैं राइट इट इज पी डिनोट द स्टेटमेंट एक्स इज इक्वल टू फोर तो अगर माइनस पी है तो डिनोट करेगा एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर क्लियर अगर कोई भी स्टेटमेंट है पी जो कहता है एक्स इज इक्वल टू फोर तो अगर किसी स्टेटमेंट के सामने इस तरीके का एरो है दिस इंडिकेट एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर राइट तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें छोटी छोटी चीजें दिया है आप वन बाई वन इन सारी लाइनों को पढ़ेंगे राइट right? और देखिए इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ इसी तरीके से देखिए यहां बहुत सारे चीज़ें लिखा हुआ है वी मे नोट दैट द स्टेटमेंट दिस इज ट्रू अगर ये इसका मतलब ये ट्रू है नहीं है तो फॉल्स अकॉर्डिंग टू एज ए स्टेटमेंट पी इज फॉल्स अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा फॉल्स है तो ट्रू होगा राइट right? ये आपको ध्यान देना है कि अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा फॉल्स हो जाएगा और अगर ये ट्रू है निगेशन तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा राइट right? तो एस और नो का है बस चक्कर, right? इसी तरीके से देखिए सभी को पता है ये सिंबल छोटे छोटे सिंबल जो है ये कामा का सिंबल है राइट right? सभी को पता है ये राइट right? इस तरीके का अगर सिंबल हो फॉर होता है इस तरीके के सिंबल को देयर एग्जिस्ट होता है तो इन छोटे छोटे सिंबल को जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा होगा यू हैव टू रिकवर नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू वन एक्सरसाइज और इसका बेसिकली जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं सभी स्क्रीन शॉट लेंगे और सारे प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करेंगे जितने आपको नोटेशन बताया कौन सा ट्रू है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी आर थ्री को लिनियर पॉइंट मतलब कोलिनियर का मतलब अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में हो ए बी सी तो आपको ये देखिए सारे स्टेटमेंट में बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है राइट अगर हो तो क्या इन दोनों को सम करें और इन दोनों को ऐड करें तो क्या ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा क्या अगर एक लाइन में हो तो थ्री आर कोलिनियर पॉइंट तो आपको बताना है दिस इज वाट दिस इज ट्रू आर फॉल्स इट इज ट्रू तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए एक और सिंबल दिया है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी तो क्या ये तीनों को लीनियर होंगे अब देखिए ये जरूरी नहीं है क्योंकि मान लीजिए यहाँ से कोई पॉइंट हो और इसका और इसका सम इसके बराबर हो तो तीनों एक लाइन में थोड़ी ना है राइट सो इस तरीके से आपको इन सारे प्रॉब्लम की एनालिसिस करनी है इस क्वेश्चन नंबर वन को क्वेश्चन नंबर बी सी और डी सभी स्क्रीन लेंगे इस वीडियो को रोक के राइट right? मैंने पॉज किया है आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करेंगे इसका सोलूशन भी आपको हम दे देंगे राइट right? लेकिन आपको वन बाय वन एनालिसिस करनी है तभी आप सीखने सीखेंगे राइट right? सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरी चलिए यहां आप नोट करेंगे जो निगेशन वाला साइन बताया था डी से देखिए डी से इसको भी आप नोट करेंगे एक एक प्रॉब्लम को स्क्रीन शॉट लेके आप अपनी कॉपी बनाएंगे इन दिस कॉपी ईच एंड एवरीथिंग जहां जहां आपसे कह रहा है कौन सा ट्रू है देखिए क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अभी आपको हो सकता है कि थोड़ी सी टाइम लगे लेकिन धीरे धीरे इन सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे तो क्वेश्चन नंबर टू का मेरे ख्याल से सभी ने स्क्रीन ले लिया है चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री भी आपको दिखा देता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स स्टेटमेंट एक्स डिनोटिंग रियल नंबर ये आपको छोटी छोटी चीज ध्यान देनी है एक्स क्या है एक्स आपका यहां पर रियल नंबर पहले से दिया इसको भी नोट कर लीजिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आपको बताने है. जब ये छोटे छोटे प्रॉब्लम करेंगे आपकी एनालिसिस पावर बहुत अच्छी होती चली जाएगी राइट सो देखिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्स डिनोटिंग रियल नंबर ये आपके पास वन टू और थ्री इसमें फिर बहुत सारे प्रॉब्लम दिए गए तो इन सारे सिंबल को आपको मैंने बता दिया किस कौन सा सिंबल क्या इंडिकेट करता है राइट right? और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट स्टार्ट करेंगे और सेट को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे इसमें भी आपको एक एक्सरसाइज दूंगा सॉल्व करने के लिए इन छोटे छोटे एक्सरसाइज को करिए और कुछ दिन बाद आप फील करेंगे कि मेरी जो एनलिसिस है जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी अच्छी होती चली जा रही है राइट आप गलती से नहीं डरेगा जरूर कोशिश करिएगा इसे करने के लिए चलिए एक बार और मैं रिकैप कर देता हूँ क्या क्या मैंने डिस्कस किया आज वेरी आई ऑल दिस थिंग क्या-क्या हमने डिस्कशन किया तो सबसे पहले हमने देखा कि हाउ द रियल आंसि स्टार्ट राइट और उसमें भी अभी हम सेट पे नहीं आए हैं अभी फंक्शन में नहीं सबसे पहले ये समझे कि रियल आंसिस कैसे स्टार्ट हुआ तो इसका जो जनरेशन है वो कहां से स्टार्ट हुआ रियल नंबर वास्तविक नंबर से तो वास्तविक जो एनालिसिस है वो कहाँ से स्टार्ट होगी जो नंबर हमें दिख रहा है नेचुरल नंबर वन टू थ्री हम काउंट कर सकते हैं सेटअप इंटीजर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री फिर रैशनल नंबर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है हमें रियल एनालिसिस सब कुछ डिस्कस करना और रियल लाइन राइट right. उसके बाद बहुत सारे मैंने आपको स्टेटमेंट बताया किस तरीके से स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं जो कि पार्ट सी के क्वेश्चन ये क्वेश्चन सी एस आई आर का नहीं है लेकिन आपको इससे सीखने आएगा कि हम कैसे सी एस आई आर के प्रॉब्लम को स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम को कैसे ट्रू फॉल्स करेंगे अगर कहीं छोटे छोटे इस तरीके से ये जो सिंबल दिए गए हैं कनेक्टिवनेस के इम्प्लाइज बोथ साइड इम्प्लाइज एंड आर और आपका निगेशन का इन सारे सिंबल को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जितने भी मैंने आज, आज आपको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम बताए जितने भी राइट right? उन सब प्रॉब्लम को तो आप पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम एक बार और आपको दिखा देता हूं ये पहली एक्सरसाइज है राइट ये स्क्रीन जिसे लेना हो स्क्रीन ले लेगा और इन क्वेश्चन को भी आप करेंगे राइट right? और सभी कमेंट बॉक्स में इस सारे आंसर को कमेंट करेंगे राइट right. और फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेट राइट right. तो चलिए एक बार लास्टली समराइज कर देता हूं मैंने क्या क्या आपसो आज कौन कौन से टॉपिक इस यूनिट के डिस्कस किए हैं तो देखिए आज हमने यहां तक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट कनेक्टिवनेस यहां तक कवर किया नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सेट और इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सेट क्या है फंक्शन क्या है कंपोजिट फंक्शन क्या है यूनिवर्स फंक्शन क्या है बाइनरी ऑपरेशन क्या है और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे राइट तो ये आज की समरी है और नेक्स्ट लेक्चर में अगला वीडियो फिर आपको अपलोड होगा लेकिन आपको इसके साथ साथ आ, सारे लेक्चर में रिस्पोंड करने पड़ेंगे और कनेक्टेड जैसे कनेक्टिवनेस है कि कनेक्ट कैसे कर रहा है वैसे आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कैसा ये लेक्चर रहा है। और फिर अगले लेक्चर में मैं लेक्चर नंबर टू में स्टार्ट करूंगा सेट फंक्शन और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे फिर रियल नंबर सिस्टम पे आएंगे और सभी को पता है जो नेट का सिलेबस है वो बेसिकली चैप्टर नंबर थ्री से स्टार्ट है जो भी आपका नेबरहुड है ओपन सेट मतलब पॉइंट सेट टॉपलॉजी है और लेक्चर फोर है जो आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल तो इस लेक्चर में आज के लेक्चर में यहीं तक मैं समराइज़ करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं और फिर डिस्कशन करेंगे लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे किस तरीके से आपको ये लेक्चर लगा सो so दैट कि मैं आगे की लेक्चर बहुत क्विकली आपके लिए अपलोड कर पाऊँ राइट right. तो ये आपका पेज नंबर मैंने डिस्कस किया था वन तक और इसके बाद फिर डिस्कसन करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो